गुड इवनिंग गाइस सो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जेके एस एस बी लेक्चर टू कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं सो लेट्स स्टार्ट फॉलिंग सम इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन कंप्यूटर कीबोर्ड कुछ इनपुट डिवाइसेस जो हम लोग कंप्यूटर uh, में यूज़ करते हैं वो है हमारे पास कीबोर्ड माउस याटिक लाइट पेन ट्रैक पैन स्कैनर ग्राफिक टैबलेट माइक्रोफोन मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बार कोड रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर मींस दैट दीज आर द डिवाइसेस दैट आर इनपुट डिवाइसेस सो हम इनके बारे में डिटेल में एक एक करके स्टडी करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कीबोर्ड से कीबोर्ड क्या होता है आ, आप सारे फमिलियर हो कि कीबोर्ड क्या होता है कीबोर्ड कंप्यूटर में कैसे हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड के थ्रू और हमें आउटपुट की फॉर्म में रिजल्ट मिलता है तो कीबोर्ड के बारे में आज थोड़ा हम डिटेल में स्टडी करते हैं कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स टू इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर हमारी इनपुट डिवाइस है जो हमारी हेल्प करती है कि ताकि हम लोग जो भी डेटा को इनपुट करना चाहते हैं कंप्यूटर में हम लोग कंप्यूटर uh, में हम कोई भी डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो हम कीबोर्ड की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं द लेआउट जो होता है कीबोर्ड का ट्रेडिशनल uh, जैसे हमारा टाइप राइटर होता था उसी के तरीके से हमारा कीबोर्ड का लेआउट है सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शंस टाइप राइटर में कुछ कीज होती थी बट uh, जो हम जब हमारे पास कीबोर्ड आ गया कीबोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा फंक्शनल कीज इसमें एड ऑन हुई हैं तो हम स्टडी करते हैं कि कीबोर्ड्स में आ, कितनी कितने साइजेस में होती हैं कितनी इसकी कीज होती हैं कीबोर्ड्स आर ऑफ टू साइजेस कीबोर्ड्स जो होता है मोस्टली हमारे पास दो साइजेस का होता है एक एक तो 84 कीज का होता है आ, और एक हमारे पास 101 जो 102 होते हैं। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आज की डेट में जो कीबोर्ड होता है उसकी कीज कितनी होती है कीबोर्ड की कीज मोस्टली वन जीरो टू कीज होती है बट नाउ कीबोर्ड विद वन जीरो कीज आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज एंड इंटरनेट विंडो अब जो लेटेस्ट हमारे पास कीबोर्ड्स आ रहे हैं उसमें कुछ विंडोज के फीचर्स भी हैं और इंटरनेट के फीचर्स भी हैं तो मीन्स अभी हमारे पास जो कीबोर्ड है उसकी जो कीज हैं हमारे पास टोटल जो रहने वाली है, वो 104 हैं वो वन जीरो फोर या वन जीरो एट कीज हैं द कीज ऑन द कीबोर्ड आर एज फॉलो जो कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में वो हम कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कीज़ हमारे कीबोर्ड में होती हैं तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कीबोर्ड में हमें अभी तो पता चल गया कि कीबोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी कीज़ आर इन द कीबोर्ड यू कैन से दैट मोर देन हंड्रेड आर अगर उसमें विंडोज और इंटरनेट की कुछ कीज़ को ले जाए तो हमारे पास टोटली आज की डेट में वन जीरो फोर आर वन जीरो एट कीज रहने वाली हैं तो लेट्स uh, स्टार्ट सबसे पहले हमारे कीबोर्ड में कुछ टाइपिंग कीज होती हैं जिनके थ्रू हम लोग टाइप कर सकते हैं इन कीज में हम इंक्लूड करते हैं लेटर्स ए टू जेड ए से लिखी जेड तक हमारे पास टाइपिंग कीज uh, क्या टाइपिंग में कीज, डिज़ेट कीज, डिज़ेट कीज में हमारे पास रहेंगे अल्फाबेटिकल कीज और डिजिट कीज डिजिट कीज में हमारे पास नाइन्स हैं

Generally, it consists of set of 17 जनरलीट हाँ, कैटिगर क्या होते हैं ये हमारे पास कुछ नमरिक डेटा होता है और कर्सर मूवमेंट नमरिक डेटा में मतलब जो हम नंबर्स वगैरह ऐड ऑन करना चाहते हैं वन टू थ्री फोर फाइव से जीरो से ले लेके फिर हमारे पास उसमें कैलकुलेशंस के कुछ आ जाएंगे प्लस का माइनस का मल्टीप्लाइन का डिविजन का और इसी के साथ हमारे पास कर्सर मूवमेंट कर्सर्स वाली जो कीज होती हैं तो ये सारी मिला के हमारे पास नंबरिक कीबोर्ड कीपैड बनता है और अगर आपको कोई पूछा जाए कि नंबरिक कीपैड नंबरिक कीज कितनी होती हैं तो आप कह सकते हैं कि वो सेवनटीन होती हैं फिर बात आ जाती है कि फंक्शनल फंक्शन कीज फंक्शन कीज कितनी होती हैं कीबोर्ड में फंक्शन कीज ट्वेल्व होती हैं फंक्शन कीज ट्वेल्व फंक्शन कीज प्रेजेंट होती है कीबोर्ड uh, में जो अरेंज करती हैं रो एट द टॉप ऑफ द की बोर्ड के टॉप में होती हैं ईच फंक्शन की के हर यूनिक मीनिंग होता है और हर एक फंक्शन की का कुछ स्पेसिफिक पर्पज होता है फिर उसके बाद हमारे पास कुछ कंट्रोल कीज आती हैं की प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल इट इंक्लूड फोर एडिशनल एरोज कीज इसमें कुछ कीज कीज होती होती हैं हैं कंट्रोल जिसमें कीज होती हैं कंट्रोल कीज होती है जिसमें इंक्लूड होम एंड एंड इंसर्ट डिलीट पेज अप पेज ऑन कंट्रोल अल्टरनेट एस्केप कीज तो ये सारी की सारी हमारे पास कंट्रोल कीज में आती हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ हैं स्पेशल पर्पस कीज़ में आपके पास क्या आ जाएगा स्पेशल पर्पस कीज़ में हमारे पास जैसे कि एंटर की आ गई जो कि स्पेशल पर्पस के लिए बना हुआ है शिफ्ट की आ गई कैप्स की आ गई लॉक आ गई नम लॉक आ गई स्पेस बार आ गई टैब और प्रिंट्स कीजिए हमारे पास कुछ स्पेशल कीज पर होती हैं तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास आ, कीबोर्ड में कितने तरह की कीज होती हैं एक होती है टाइपिंग कीज टाइपिंग कीज में आपके पास क्या रहेंगे अल्फाबेट्स रहेंगे उसके बाद हमारे पास डिजिट्स रहेंगे उसके बाद होता है नमरिक की पैड नंबरिक की पैड में हमारे पास कुछ नंबरिक कीज होती हैं उसके बाद जे सेवनटीन होती हैं और इसमें कुछ जहा नंबरिक डेटा होता है जहाँ कर्सर की मूवमेंट्स भी हम उसके थ्रू कर सकते हैं जहाँ हम लोग कन्फिग कैलकुलेशन के लिए किसी मशीन में कुछ एडिंग करनी है कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेटर्स के लिए भी हम नंबरिक की पैड को यूज़ कर सकते हैं कुछ फंक्शंस की जो होती हैं टोटल हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं वो ट्वेल्व होती हैं ट्वेल्व फंक्शंस की होते हैं और हर एक फंक्शन की इसका मतलब हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है कंट्रोल कीज़ कुछ हमारे पास कंट्रोल कीज होती हैं जो क्या कर सकती हैं कंट्रोल करती हैं इसमें हमारे पास चार तो हमारे पास एरोज कीज आ जाएंगी फिर कंट्रोल कीज में हम इंक्लूड करते हैं होम को एंड एंड को इंसर्ट को डिलीट को पेज अप पेज डाउन कंट्रोल अल्टरनेट एस्केप एट्रा जिस सारी की सारी हमारे पास कंट्रोल कीज आ जाती हैं उसके पास हमारे उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल पर्पस कीज होती हैं स्पेशल पर्पस की में हमारे पास जो special, कुछ स्पेशल पर्पज़ करती हैं जैसे कि हमारे पास आ जाएगा एंटर की शिफ्ट की कैप्स लॉक नम लॉक लॉक एंड प्रिंट स्क्रीन हमारे पास स्पेशल पर्पस होती हैं। तो इस तरीके से हमने अभी किया कि होता क्या के अंदर कितनी है कीज होती तो पहले क्या होता था वन जीरो थी उन कीज के अंदर हमारे पास एक टाइपिंग कीज होती हैं टाइपिंग कीज में हमारे अल्फाबेट्स रहेंगे उसके बाद हमारे पास कुछ डिजिट्स रहेंगे नंबरिक की पैड में क्या होगा कि नंबरिक की पैड में हमारे पास कुछ सेवेंटीन कीज रहेंगी जिसमें हमारे पास डिजिट्स होंगे वन से लेके नाइन तक जीरो से लेके नाइन तक देन कैलकुलेटर सिंबल्स होंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंबल्स होंगे उन्ही की हेल्प से हम लोग कर्सर को मूवमेंट वगैरह भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास नम्र... फिर आ गया हमारे पास फंक्शन कीज फंक्शन कीज क्या कहेंगे हमारे पास ट्वेल्व कुछ स्पेशल फंक्शन कीज होती है और हर एक फंक्शन का अलग अलग से मीनिंग होता है कंट्रोल कीज में हमारे पास हमारे पास एरोस कीज आ जाएंगी पेज अप पेज डोन वगैरह आ जाएंगी स्पेशल पर्पस कीज में हमारे कुछ स्पेशल कीज होंगी जो उनके स्पेशल फंक्शंस होते हैं जैसे कि एंटर हो गया शिफ्ट हो गया कैप्स लॉक हो गया नम लॉक स्पेस वार टैब और प्रिंट स्क्रीन उसके बाद हम सेकेंड इनपुट डिवाइस की बात करते हैं कि माउस माउस भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जी माउस uh, को हम अगर समटाइम uh, ये भी पूछा जाता है कि पॉइंटिंग डिवाइस माउस को हम लोग इनपुट डिवाइस भी है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कर्सर को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है और स्माल पाम साइज की बॉक्स की तरह होता है राउंड बाल एट इट्स बेस होता है विथ सेंस द मूवमेंट ऑफ द माउस और सेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स हमारे सी को भेजते हैं और माउस बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो वो जो माउस का बटन को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो जो, जो, जो सी होते हैं हमारे कंप्यूटर के सीपीयू सी पी को भेजते हैं जनरली तो कंप्यूटर के क्या होते हैं टू बटन्स होते हैं जिनको हम लेफ्ट और राइट बटन करते हैं और एक बील प्रेजेंट होती है बिटवीन द बटन के बीच में और माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन बट इट कैन नॉट बी यूज टू एंटर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर तो कंप्यूटर में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए हम लोग माउस का यूज नहीं कर सकते हैं तो इसमें दो बटन होते हैं एक होता है लेफ्ट बटन एक राइट बटन होता है और सेंटर में एक बिल होती है जो बिटवीन लेफ्ट और राइट बटन में होती है ठीक है मैं अभी आपको इसको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ दिस इज़ ये हमारे पास माउस आ गया माउस में ये क्या आ जाएगा हमारे पास ये राइट बटन आ जाएगा जो लेफ्ट बटन आ जाएगा और जो बील होगी जो मतलब ये कर सकते तो बील होगी जिससे हम uh, कर्सर को मूव ऑन कर सकते हैं पॉइंटिंग पौ, माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं ठीक है और ये क्या करते हैं जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं लेफ्ट और राइट बटन ये क्या करते हैं ये सिग्नल भेजते हैं सीपीयू की कि आपको इसके थ्रू आपको क्या करना है परफॉर्म करना है ठीक है तो अब माउस की एडवेंटेजेस क्या है इजी टू यूज हम लोग इजीली इसको यूज कर सकते हैं नॉट वेरी एक्सपेंसिव ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है हम की जो हम माउस से कर सकते हैं बट क्या है कि जो हमारे पास कीबोर्ड में एरोज होते हैं कर्सर को मूव ऑन करने के वो इतनी फास्टली नहीं होते हैं जैसे जितना हमारा फास्टली हमारे पास माउस होता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉयस्टिक जॉयस्टिक क्या होती है जॉयस्टिक भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक को भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं जैसे हम माउस uh, को बोलते हैं विच इज यूज टू मूव द कर्सर पोजिशन ऑन ए मोनीटर स्क्रीन मोनिटर के स्क्रीन पे कर्सर की पोजिशन को ये मूव ऑन करती है इट इज स्टिक स्टिक की तरह होती है स्फेरिकल बॉल स्फेरिकल बॉल अपर एंड पे एक सॉकेट सॉकेट में जी जी जो हमारे पास जो सॉकेट होता है जो इसमें मूव करते हैं जॉय स्ट्रिक कैन बी मूव इन ऑल फोर डिरेक्शन जॉय स्ट्रिक को हम लोग सारी के सारी फोर डिरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं ठीक है The function of joystick is similar to that of a mouse. It is mainly used in computer-aided designing and playing computer games. Uh, so हमारे पास joystick होती है इसके function भी computer uh, mouse की तरह same ही होते हैं but ये mostly ज़्यादातर use किए थे computer की aided designing के लिए और uh, computer games को play करने के लिए ज़्यादातर हम लोग joystick का use करते हैं ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है वो है लाइट पेन लाइट पेन क्या होता है एक एक है है। की तरह ही होती इट इलेक्ट अड मेनू आइटम डिस्प्ले करने के लिए मेनू की आइटम को जैसे जैसे लाइट पेन चल रहा है जहाँ ड्रा करने के लिए पिक्चर्स को आंदा मोनिटर की स्क्रीन पे

और जैसे ही इस टिप के पेन को हम लोग प्रेस करते हैं ये क्या करता है कि हमारे जो सी होता है उसको सिग्नल सेंड कर सकता है फोटोसेल सेंसिंग करते हैं एलिमेंट्स को डिटेक्ट करके और उसको क्या करता है वो सिग्नल्स यू है सी को पास कर देता है तो इसी तरीके से लाइट पेन भी हमारे पास क्या होता है एक तरीके से इनपुट डिवाइसेस है जो भी चीज़ें हमारी कंप्यूटर को सिग्नल्स से सेंड करती हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस नेक्स्ट हमारे पास आया ट्रैक बॉल ट्रैकुट डिट इज मोस्टली यूज इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इन ऑफ ए माउस ट्रैक बॉल ज्यादातर हम लोग नोटबुक जहाँ लैपटॉप कंप्यूटर में यूज करते हैं मतलब उनमें लैपटॉप जहाँ नोटबुक पे हम लोग माउस की बजाय ट्रैक बॉल को यूज करते हैं दिस इज ए बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बॉल द पॉइंटर कैन बी मूव ये एक बॉल होती है जो हाफ इंसर्टेड की होती है और इसमें हम लोग फिंगर्स को मूव ऑन करते पॉइंटर को मूव ऑन कर सकते हैं सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव अ ट्रैक पाल रिक्वायर लेस स्पेस दैन ए माउस अ ट्रैक पाल कम्स इन वेरियस शेप लाइक बॉल अ बटन आर ए स्क्वायर अगर हम बात करें कि होल डिवाइस को अगर हम लोग मूव नहीं करते तो ट्रैकबॉल जो होती है ना वो काफी उसको लेस स्पेस चाहिए होता है माउस की बजाय ना उसको स्पेस बहुत ज्यादा कम चाहिए होता है तो इसलिए हम लोग पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे हम लैपटॉप नोटबुक को यूज करते हैं कि पोर्टेबल इज़िली कैरी कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर की अह डेस्कटॉप कंप्यूटर में अगर हम माउस यूज करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ट्रैकबॉल को यूज करते हैं लैपटॉप जहां नोटबुक में कमिंग टू द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर बड़े सारे बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहती है कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है जहाँ आउटपुट डिवाइस है तो हम आ, आपको अच्छे से डिटेल में बताते बताएंगे कि स्कैनर जो है हमारी एक इनपुट डिवाइस है स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क्स मोर्स लाइक ए फोटो कापी मशीन जैसे मशीन की फोटो कॉपी होती है ना वैसे ही होती है इट सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू फर्दर मैनिपुलेशन स्कैनर एक क्या करता है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पेपर में होती है उस पेपर की इंफॉर्मेशन को क्या करता है स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद जो डेटा वो रिसीव करता है उसको ट्रांसफर कर देता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में फर्दर मैन्यूपलेशन के लिए मीन दैट अगर हमारे पास कोई पेपर है तो पेपर में से हमें कुछ डेटा को लेकर उसकी एडिटिंग वगैरह करनी है तो आप स्कैनर में से क्या करेंगे उस चीज़ को स्कैन करेंगे वो स्कैन करने के बाद उस डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर कर देगा स्कैनर तो उसके बाद हार्ड डिस्क में स्टोर होने के बाद जो भी हम उसमें मैन्यूपलेसन करना चाहते हैं जहां उसमें कोई एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क की हेल्प से लेकर हम उसमें बाद में मैन्युपलेशन करके क्या कर सकते हैं उसकी हेल्प से हम लोग चेंजेस uh, वगैरह कर सकते हैं तो स्कैनर भी एक हमारी इनपुट डिवाइस है ठीक है तो ये हमारे पास स्कैनर की पिक्चर रही इस तरीके से स्कैनर होता है जो सिंपली स्कैन करेगा और

देन हमारी जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है वो क्या है डिजिटाइजर डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करती है कन्वर्ट करती है एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में तो बड़े सारे बच्चों को जो कंफ्यूजन होगी कि डिजिटाइजर के बारे में इतना ज्यादा उन्होंने स्टडी नहीं किया होता डिजिटाइजर क्या होता है डिजिटाइजर क्या होता है जैसे सपोज अभी भी मैं जैसे अपने ग्राफिक पैड से लिख रहा हूँ तो जे इसको डिजिटाइजर बोलते हैं डिजिटाइजर जैसे मैं जहाँ पे जैसे पेन मूव ऑन हो रहा था तो मैं इस टाइम पे डिजिटाइजर पे लिख रहा हूँ तो डिजिटाइजर क्या करता है जो भी हमारी एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डिजिटल कैन कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम द टेलीविजन और कैमरा इन सीरीज ऑफ नंबर दैट कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर डिजिटाइजर जो है वो जो सिग्नल हमारे होते हैं टेलीविजन से या कैमरा से उसको नंबर्स में चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर में स्टोर कर, तो कर सकता है दे कैन भी यूज द कंप्यूटर टू क्रिएट ए पिक्चर को भी क्रिएट कर सकता है डिजिटाइजर को हम लोग आ, जो होता है उसको हम लोग टैबलेट भी बोल सकते हैं ग्राफिक्स टैबलेट्स भी बोल सकते हैं जी क्या करता है ग्राफिक्स और पिक्चोरियल डेटा को बाइनरी इनपुट्स में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है ग्राफिक टैबलेट एज डिजिटाइजर इज यूज फॉर फाइन वर्क्स ऑफ ड्राइंग एंड इमेजेस मैनिपुलेशन एप्लीकेशन जो हमारे पास ग्राफिक टैबलेट होते हैं उसको हम यूज किस लिए कर सकते हैं अगर हमें कोई ड्राइंग करनी है तो डिजिटाइजर के जो थ्रू कर जो भी हम डिजिटाइजर पे ड्राइंग बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर की जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी तो इसलिए हम लोग डिजिटाइजर को यूज करते हैं ये भी क्या करता है सिग्नल्स लेता है और सीपीयू को सेंड करता है और सीपीयू उसी के अकॉर्डिंग आपकी एक्शंस को क्या करता है परफॉर्म करता है और नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आ गई हमारे पास माइक्रोफोन माइक्रोफोन क्या है एक हमारी इनपुट डिवाइस है इसमें से जैसे ही इनपुट डिवाइस है इनपुट साउंड देन स्टोर्ड इन फॉर्म हम साउंड को क्या करते हैं इनपुट इनपुट करते हैं साउंड को और वो डिजिटल फॉर्म में क्या कर देती है स्टोर हो जाती है माइक्रोफोन यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आर फॉर मिक्सिंग म्यूजिक माइक्रोफोन का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं अगर हमें कोई मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बना रहे हैं बट वो उसको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है आर फॉर जहाँ फिर मिक्सिंग करने के लिए म्यूजिक को ठीक है तो इस वजह से हम लोग वो यूज करते हैं ठीक है देन आपके पास जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आ रही है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या है मैग्नेटिक इंक कार रीडर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर जो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है पेपर्स में कि आई सी आर की क्या फुल फॉर्म है एम आई सी आर इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर एम आई सी आर इनपुट डिवाइस जनरली यूज इन बैंक्स बैंक्स में यूज की जाती है एंड देर ए लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी प्रोसेस्ड एवरीडे काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास चेक होते हैं वो प्रोसेस किए जाते हैं हर बैंक में द बैंक कोड नंबर चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन द चेक एंड स्पेशल टाइप ऑफ इंक दैट कंटेन पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट रीडेबल तो एम आई सी आर किस लिए यूज की जाती है कि बैंक्स वगैरह में यूज की जाती है बैंक्स में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास चेक्स वगैरह आते हैं तो चेक्स वगैरह को रिडेबल बनाने के लिए जो प्रिंट uh, हम इसमें चेक्स वगैरह डालते हैं तो वो क्या करता है मैग्नेटिक मटेरियल को मशीन को क्या बना देता है रीडेबल बना देता है ठीक है तो ये क्या होगी इनपुट डिवाइस ये भी सिग्नल्स किसको सेंड करेगा सिग्नल्स सीपीयू को सेंड करेगा ताकि वो रीडेबल कर सके दिस रीडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन द मेन एडवांटेज ऑफ एम एस इज दैट इट इज फास्ट एंड लेस एरर प्रोन जी इसका जैसे ही हम इस पर चेक डालेंगे तो उसकी वजह से कंप्यूटर में वो शो न लग पड़ेगा कंप्यूटर इसकी हेल्प से क्या कर सकता है रीडेबल कर सकता है इसकी मेन एडवांटेज क्या है कि ये काफी ज्यादा क्या है फास्टर है देन हमारे पास आता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ओ मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर के बाद हमारे पास न्यू जो इनपुट डिवाइस है वो है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर

फिर क्या कर देता OCR क्या करता है जो भी हमारे पास प्रिंटेड जैसे पास कोई हार्ड कापी है हार्ड कापी को क्या करेगा ओ, अगर हम इसको हार्ड कापी को रीड करेगा करेक्टर बाई करेक्टर और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ताकि बाद में उस जो टेक्स्ट को मशीन जो है वो ईजिली रीड कर सके Then, हमारे पास आता है बार रीडर। बार रीडर क्या, क्या होता है बार कोड रीडर की बात करें हम लोग तो बार कोड रीडर आज की डेट में काफी ज्यादा जैसे सपोज हम लोग एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो सिंपली वो क्या करते हैं स्कैन करते हैं तो आपको लैब वगैरह अलाट ओमेंट हो जाती है अगर प्राइस वगैरह किसी हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो प्राइस वगैरह किसी का नहीं मेंशन नहीं किया हो तो सिंपली वो बार कोड को रीड करते हैं मशीन के थ्रू तो वो बार कोड क्या करती है मुझे जो मशीन बार कोड रीडर क्या करता है वो कंप्यूटर को सिग्नल भेज देता है कि कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है कि इसका इतना प्राइस है वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा तो हम um, जे आपको जो जैसे दिख रहा है दैट इज कॉल्ड बार कोड रीडर बार कोड रीडर इज अ डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बार कोड डेटा डेटा इन द ऑफ़ लाइट एंड डार्क लाइंस डेटा जो होता है ना हमारा बार कोड रीडर ऐसा जो डेटा होता है उसी को रीड कर सकता है बार कोड डेटा इज जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स और जो हमारे पास चीजें सामान वगैरह था उसको लेबलिंग करने के लिए नंबरिंग द बुक्स एट्सेट्रा बुक्स की नंबरिंग को देने के लिए इट मे बी हैंडहेल्ड स्कैनर और मे बी अम्बेडेड स्टेशनरी स्कैनर इसको हैंडहेल्ड स्कैनर भी बोला जा सकता है और अम्बेडेड स्टेशनरी स्कैनर भी बोला जाता है बार कोड रीडर स्कैन से बार कोड इमेज बार कोड की जो भी इमेज होती है उसको क्या करता स्कैन करता है कन्वर्ट इट इंटू ए अल्फा नंबरिक वैल्यू अल्फा नंबरिक वैल्यू में जान तो वो उसको हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया होता है और वो कंप्यूटर को सिग्नल भेज देता है कि इसका अल्फा नंबरिक वैल्यू क्या है हमारे पास देन हमारे पास ओ सी आर ऑप्टिकल कार्ड रीडर पड़ा देन हमारे पास है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर ओप्टिकल मार्क रीडर पहले हमने पढ़ा

तो ओ एम आर शीट पे जो हम लोगों ने मार्क किया होता है पेन जहाँ पेंसिल के साथ उसको कैसे रीड करके हमारे आंसर्स को बताया जाता है जैसे हमारे ओ एम आर शीट पर हमारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो इस तरीके से हम लोगों को स्कैन करता है और वो उसकी थ्रू पेन जहाँ पेंसिल के जो मार्क होते हैं उनको रीड करता है और उसी के थ्रू उसका रिजल्ट बता देता है ये इस तरीके से होता है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर ठीक है इट इज स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ कंप्यूटर हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनके ही थ्रो यूज किया जाता है तो इसी के साथ हमारा जो इनपुट डिवाइसेस का पोर्शन था वो खत्म होता है इनपुट डिवाइसेस में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि कीबोर्ड क्या होता है कीबोर्ड आपको टाइप राइटर की तरह ही होता है बट इसमें कुछ एडिशनल क्या थी एडिशनल कीज एड ऑन होगी ठीक है तो इसमें टोटल अगर की बात की जाए तो इसमें 104 और 108 जीरो कीज हैं इंक्लूडिंग विंडोज है और इंटरनेट की तो इसके कुछ कीज क्या होती है एक कीज़ होती है टाइपिंग कीज टाइपिंग कीज में इसके क्या रहेंगे टाइपिंग कीज में इसके अल्फाबेट्स रहेंगे जहाँ डिजिट्स रहेंगे फिर हमारे पास होता है नंबरिक की पैड नंबरिक की में हमारे जीरो से लेके नाइन तक काउंटिंग होती है कुछ चार प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन सब्ट्रैक्शन होती है डिवीजन होती है देन इसी के थ्रू से जो कर्सर मूवमेंट्स भी इसके थ्रू कर सकते हैं हम लोग देन हमारे पास होती है फंक्शनल कीज फंक्शनल कीज क्या करती है हमारी फंक्शनल कीज आ, क्या होती हैं हमारे पास ट्वेल्व फंक्शंस कीज होती हैं और हर एक फंक्शन कीज अलग का अलग अलग परफॉर्म होती है अलग अलग उसका फंक्शन होता है देन हमारे पास कुछ कंट्रोल कीज होती हैं जिसमें हमारे पास एरोज कीज होती हैं लेफ्ट राइट वाटम अब और कुछ पेज अप पेज डाउन इस तरीके से हमारे पास जो कुछ कंट्रोल करते हैं और कुछ हमारे पास स्पेशल पर्पज़ कीज होती हैं स्पेशल पर्पज़ की जैसे एंटर करना है हमें शिफ्ट करना है कैप्स लॉक नम लॉक मऊस हमारे पास स्पेशल माउस हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम पाम के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं इसमें हमारे पास दो बटन्स होते हैं एक होता है लेफ्ट बटन एक होता है राइट बटन और सेंटर में इसकी बील होती है जिसके थ्रू हम पेज को मूव ऑन वगैरह कर सकते हैं और जी क्या करता है जैसे ही हम लोग सिग... लेफ्ट या राइट बटन को क्लिक करते हैं जो सिग्नल सेंड कर देता है सीपीयू को ये पिक्चर रही एडवांटेजेस क्या है इजी टू यूज है नॉट वेरी एक्सपेंसिव है मूव करता है कर्सर को एरोस के थ्रू फास्टर जॉयस्टिक हमारे पास एक माउस की तरह ही एक डिवाइस होती है बट इसके ऊपर स्फेरिकल बॉल होता है जो फोर साइड ऑन हो जाता है और इसको ज़्यादातर हम गेमिंग वगैरह में यूज करते हैं लाइट पेन क्या है एक ये भी एक इनपुट डिवाइस है लाइट पेन मतलब पॉइंट करता है जैसे ही हम टिप को इसकी जो टिप को प्रेस करते हैं जो सिग्नल जो है वह सेंड कर देगा सीपीयू को ट्रैक बॉल एक माउस की तरह ही होती है और ये इसकी पिक्चर है ट्रैक बॉल की इसमें ट्रैक बाल लगा होता है बट ये हम लोग मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं आजकल नोटबुक जहां लैपटॉप के साथ एज कंपेयर टू माउस क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा माउस से छोटी होती है और इजिली पोर्टेबल होती है स्कैनर क्या करता है जो भी हमारे पास हार्ड uh, कॉपी होती है उसके कोड को स्कैन करके एडिटेबल फॉर्म में बना देता है और उसके फर्दर मैनिपुलेशन के लिए डिजिटाइजर क्या होता है डिजिटाइजर एक हम तरह से हम ग्राफिक टैबलेट बोल सकते हैं डिजिटाइजर क्या करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको हम ग्राफिक और टैबलेट भी बोल सकते हैं ठीक है जहाँ डिजिटाइज़र बोलते हैं देन हमारे पास माइक्रोफोन जब अगर आपको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप माइक्रोफोन का यूज कर सकते हो इनपुट करेंगे साउंड्स को तो वो स्टोर कर देगा उसको डिजिटल फॉर्म में देन मैग्नेटिक इंक आ, इंक कार्ड रीडर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर क्या होता है बैंक्स वगैरह में ये मोस्टली यूज किया जाता है जब बड़े सारे चेक्स होते हैं वहाँ पे स्पेशल इंक के थ्रू कुछ नंबरिंग वगैरह लिखी होती है तो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर से क्या करता है कि वो जो कार्ड होता है उसके नंबर्स वगैरह को रीड कर देता है और तो कंप्यूटर को सिग्नल सेंड कर देता है देन हमारे पास होता है ओ सी आर ऑप्टिकल कार्ड रीडर ऑप्टिकल कार्ड रीडर क्या करता है जो भी हमारे पास कोई प्रिंटेड फॉर्म में कुछ है उसको करेक्टर बाई करेक्टर रीड करेगा और उसको मशीन के लिए रीडेबल बना देगा बार कोड रीडर बार कोड रीडर के बारे में हम लोग पढ़ा ये भी एक डिवाइस है जो बार कोड को रीड करती है बार कोड रीडर में हम ये ज़्यादातर लेवलिंग किया होता है हमारे पास गुड्स के लिए जहाँ बुक्स वगैरह में उसके नंबरिंग के लिए ठीक है।, है तो जब बार कोड रीडर को कंप्यूटर के साथ अटैच किया होता है जैसे ही जो उस बार को पिक्चर को स्कैन करेगा वो उस कंप्यूटर को सिग्नल सेंड कर देगा कि इसी के थ्रू आपको करना है Then आपके ओ एम आर ऑप्टिकल हमारी आंसर शीट जिसमें फोर आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं उसको हम लोगों को चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज कर सकते हैं तो मीन्स एंड इनपुट डिवाइस बोर्ड डिवाइस होती हैं जो सिग्नल्स सेंड करती हैं सी पी यू को कि आपको इसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन को परफॉर्म करना है तो अब हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर रह जाएगा मॉनिटर्स आएगा ग्राफिक प्लाटर आ जाएगा एंड प्रिंटर मॉनिटर मॉनिटर आप सबको देखा है पता है मोनीटर कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट आर द मेन आउटपुट डिवाइस इसको मेन आउटपुट डिवाइस भी कंप्यूटर की बोला जाता है इसमें फॉर्म्स होती हैं इमेजेस फ्रॉम टिनी डॉट्स जिसको हम पिक्सल बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में द शॉर्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल तो मतलब हमने कितने नंबर ऑफ पिक्सल को यूज किया है ये डिपेंड करता है कि उसकी शार्पनेस में फिर इसमें आ जाता है कथोड रे मोनीटर भी दो तरह के होते हैं कथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले कथोड रे ट्यूब जो पहले हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे और कथोड रे ट्यूब थे जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे कथोड रे ट्यूब इसमें ये हो गया ठीक है ये कथोड रे ट्यूब हो गया कथोड रे ट्यूब का क्या था सी आर टी डिड इसमें स्मॉल पिक्चर एलिमेंट स्मॉल पिक्चर एलिमेंट जिसको हम पिक्सल बोलते हैं स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द इमेज क्वालिटी अगर जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतनी ज्यादा इमेज की क्लैरिटी और रेजोल्यूशन होगी इट मेक्स मोर देन इल्यूमिनेटेड पिक्सल टू फॉर्म ए होल करेक्टर सच एज लेटर ई इन द वर्ल्ड हेल्प फाइनेट नंबर ऑफ करेक्टर कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन वंस काफ़ी ज्यादा करेक्टर हम स्क्रीन में डिस्प्ले कर सकते हैं द स्क्रीन कैन बी डिवाइडेड इन सीरीज ऑफ करेक्टर फिक्स्ड लोकेशन ऑन द स्क्रीन ए स्टैंडर्ड दिन कैन बी प्लेस एटी करेक्टर्स डेटाटली एंड ट्वेंटी ज्यादातर जो जितनी भी हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं एटी करेक्टर्स को हॉरिजेंटली और ट्वेंटी फाइव करेक्टर्स को वर्टिकली ये इनका डिसएडवांटेजेस क्या था कैथोड रे ट्यूब जो मोनीटर की फार्म है लार्ज इन साइज साइज में काफी बड़े थे हाई पावर कंजन थे फिर इसीलिए मोनीटर इस तरीके से थे जो अभी कॉमनली हम लोग यूज कर रहे हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर क्लास ऑफ विडियो डिवाइस वॉल्यूम जिसने वॉल्यूम को रिड्यूज कर दिया वेट को पावर को और जो रिक्रूटमेंट थी रिक्वा कैलकुलेटर्स के लिए वीडियो गेम्स के लिए मोनिटर्स के लिए लैपटॉप कंप्यूटर के लिए और ग्राफिक डिस्प्ले के लिए हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले मोनिटर का आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं देन हमारे पास है इसमें भी अमेजिव डिस्प्ले और नॉन इमेजिव डिस्प्ले थे डिस्प्ले दैट कन्वर्ट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में करती जैसे प्लाज्मा पैनल और एलईडी आ गया नॉन इमेजिव डिस्प्ले ऑप्टिकल इफेक्ट्स कन्वर्ट करती हैं सनलाइट या लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स को ग्राफिक पैटर्न में जैसे हमारे पास एल आ गई ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस थी वो थी प्रिंटर प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है

इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है दीज प्रिंटर्स के भी दो टाइप्स होती है एक होता है लाइन प्रिंटर्स करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर करेक्टर प्रिंटर क्या हो गया और प्रिंटर दैट प्रिंट वन करेक्टर एट ए टाइम जो एक करेक्टर को एक टाइम करता है इसको भी फर्दर डिवाइडेड किया गया डॉट मैट्रिक्स में और डेजी में डॉट मैट्रिक्स क्या होता है इन द मार्केट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रिंटर डॉट ज्यादातर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही यूज किया जाता है दिस प्रिंटर्स आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ दे आर इजी ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिक प्राइस मतलब इजिली हम लोग प्रिंट कर सकते और इकोनॉमिकली प्राइज में आ जाता है ईच करेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट एंड मैट्रिक्स प्रिंट जिनका साइज ये होता है ठीक है और इसलिए इसको डॉट मैट्रिकिंटर किया जाता है इनएक्सपेंसिव है बाइडली यूज किया जाता है अंदर लैंग्वेज करैक्टर्स को भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं डिसडवेंटेज इसकी क्या है डॉट स्लो स्पीड है पुअर क्वालिटी है डेजीविल कंप्यूटर प्रिंटर इस तरीके से है प्रिंटर

Nice है लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं प्रिंट्स वन लाइन एट ए टाइम जो क्या होते हैं एक लाइन को एक टाइम पे प्रिंट कर सकते हैं जैसे इसमें भी दो टाइप्स होती है एक ड्रम प्रिंटर और एक चेन प्रिंटर प्रिंटर इज लाइक ड्रम शेप हैंड सीटी ड्रम की शेप की तरह होता है इसके लिए इसको ड्रम प्रिंटर बोलता है द सरफेस ऑफ द ड्रम इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रैक्स टोटल ट्रैक्स

वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट गुड ग्राफिक क्वालिटी है स्पोर्ट्स मैनीडवेंटेज एक्सपेंसिव कैनॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन सिंगल प्रिंट सिंगल प्रिंटिंग में लेजर प्रिंटिंग की यही एक डिसडवाटेजेस uh, uh, है हम मल्टीपल कॉपीज नहीं निकाल सकते एक ही सिंगल प्रिंटिंग में इंकजेक्ट प्रिंटर्स को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रिलेटिव न्यू टेक्नोलॉजी डिफरेंट करेक्टर बायरिंग स्मॉल ड्रॉप्स कुछ छोटी छोटी ड्रॉप्स को जो स्प्रे करते हैं इंक पेपर पे इंक जेट प्रिंटर प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल फीचर्स के साथ काफी ज्यादा हाई क्वालिटी में वो करते हैं एडवांटेजेस की क्या है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग है मोर रिलायबल है एक्सपेंसिव है डिसएडवांटेजेस एक्सपेंसिव है द कास्ट पर पेज इज हाई स्लो है एज कंपेयर टू लेजर प्रिंटर सो so, इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं वो डिवाइसेस जो हम लोग इनपुट लेती हैं और सिग्नल सेंड करती हैं सीपीयू को और आउटपुट डिवाइसेस हमारी कौन सी होती हैं आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमें रिजल्ट शो करवाती हैं ठीक है थीका? तो इनपुट <coughs> डिवाइसेस uh, में हमारे पास आ जाएगा कीबोर्ड जास्टिक स्कैनर ऑप्टिकल कार्ड रीडर ऑप्टिकल मार्क रीडर और हमारे पास लाइट पेन आ जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास क्या जाएगा? आ जाएगा मॉनिटर आ जाएगा प्रिंटर आ जाएगा तो प्लॉटर आ जाएगा ठीक है तो आज इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द वेल आइकन बटन सो दैट वेन एवर आई अपलोड द न्यू वीडियो द नोटिफिकेशन विल कम्स टू यू थैंक यू हैव ए नाइस डे